गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा कि विवास इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, विवा का इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोग लेसन टू का जो के लेसन नेम है ए ब्यूटीफुल डे, इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने ए वन किया था, ए टू किया था, आज हम लोग सेक्शन बी को करेंगे। सेक्शन बी क्या है? साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन। सेक्शन बी साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन है। इसमें कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे कुछ वर्ड बताया गया है, इसे पढ़िए। से दीज वर्ड अलाउड पेइंग अटेंशन टू द पार्ट इन रेड। यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये वर्ड को जोर से पढ़िए और इस वर्ड पे ध्यान दीजिए जो रेड किया हुआ है। पेज नंबर 12 में देखेंगे, विवास के रियल इंग्लिश के पेज नंबर 12 में देखेंगे वो साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन में कुछ वर्ड ब्लैक रेड क्या हुआ है। जैसे ब्लू है, बी एल यू ई, इसमें बी एल ये रेड क्या हुआ है। उसके बाद है क्रोइंग, सी आर ओ डब्ल्यू आई एन जी, इसमें सी आर रेड क्या हुआ है। उसके बाद ट्विटर है, टी डब्ल्यू आई डबल टी ई आर, ट्विटर, इसमें टी डब्ल्यू ये रेड क्या हुआ है। उसके बाद आगे है कंपेयर दीज विद द वर्ड्स बिलो, नीचे देखिए जेड डबल ओ, इसमें जेड रेड क्या हुआ है। उसके बाद आर ओ डब्ल्यू आई एन जी, रोइंग, इसमें आर कलर रेड क्या हुआ है। उसके बाद बिटर, बी आई डबल टी ई आर, बिटर, इसमें बी कलर क्या हुआ है, रेड क्या हुआ है। इसमें क्या फर्क है? एट द बिगिनिंग ऑफ ब्लू, जैसे कि हम लोगों ने ब्लू देखा, क्रोइंग देखा एंड ट्विटर देखा, इन सब में शुरू में दो कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है और कॉन्सोनेंट साउंड भी, दोनों का कॉन्सोनेंट साउंड एक साथ आ रहा है, साउंड कम टूगेदर, जू रोइंग एंड बिटर बिगिंग विद सिंगल कॉन्सोनेंट। जबकि आप देखेंगे जू है, जू में या रोइंग में या बिटर में, इसमें एक लेटर जो है कॉन्सोनेंट का आ रहा है, एक लेटर से शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट के। तो उसी इसको एग्जांपल देने के बाद आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है बी वन में, फाइंड एंड राइट फाइव मोर वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट हैव टू कॉन्सोनेंट्स एट द बिगिनिंग, सर्कल द लेटर्स दैट स्टैंड फॉर द कॉन्सोनेंट साउंड्स। ये क्या एग्जाम्पल देने के बाद ये कहा जा रहा है कि आप पांच वर्ड अब पोएम से निकालिए जिसका जो कि दो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, जिसके शुरू में दो कॉन्सोनेंट है, और वो साउंड जो दो कॉन्सोनेंट साउंड है, जो दो कॉन्सोनेंट है उसको जो है आप सर्कल करें। तो बी में देखिए, ये हमने कुछ वर्ड लिखा आपके पोएम से, फ्लोइंग, ग्लिटर, ग्रीन, स्लीप, ग्रेजिंग। इसमें देखिए फ्लोइंग ये दो कॉन्सोनेंट है, एफ एल दो कॉन्सोनेंट हुआ, इसे हम सर्कल कर दिए। उसके बाद इसमें देखिए ग्लिटर, जी भी कॉन्सोनेंट है और एल भी कॉन्सोनेंट है, तो इसे हम क्या करें, इसे हमने सर्कल कर दिया जी एल को। इसमें ग्रीन, जी और आर दोनों क्या है, दोनों कॉन्सोनेंट है, तो इसे हम सर्कल कर दिए। उसके बाद देखिए स्लीप, स्लीप में भी एस एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसे हमने सर्कल किया। उसके बाद आगे देखिए ग्रेजिंग है, ग्रेजिंग में जी आर ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये इसे हमने सर्कल किया। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये सारे वर्ड जो है, जैसे फ्लोइंग, ग्लिटर, ग्रीन, स्लीप, ग्रेजिंग और भी बहुत सारे वर्ड हैं आपके इस पोएम में जो दो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और दोनों का एक साथ साउंड निकलता है। जैसे देखिए फ्लोइंग, एफ एल, फ्लो फ्लो दोनों मिलकर के निकल रहा है, ग्ली ग्लिटर ये भी एक साथ निकल रहा है, ग्रीन ये भी जी आर एक साथ निकल रहा है, स्लीप एस एल का आवाज एक साथ निकल रहा है, ग्रे ये भी एक साथ निकल रहा है। अब देखिए बी टू है, बी टू में कहा जा रहा है कंप्लीट द टेबल ऑफ राइमिंग वर्ड्स। जैसे कुछ वर्ड ये वर्ड दिया हुआ है, इसमें राइमिंग वर्ड आपको तलाशना है, कहां से, आप पोएम से।
और उसके बाद योर ओन राइमिंग वर्ड्स, इसमें आपको अपना राइमिंग वर्ड लिखना है। तो एक ये वर्ड दिया हुआ है फ्लोइंग, फ्लोइंग से का राइमिंग वर्ड आपकी पोएम में क्रोइंग है, और हम इन्हें एक अपना राइमिंग वर्ड लिखा ग्रोइंग। उसके बाद ट्विटर ये वर्ड है, ट्विटर का राइमिंग वर्ड आपकी पोएम में ग्लिटर है, और हम राइमिंग वर्ड कोई और लिखते हैं एक अपना तो बेटर। उसके बाद देखिए प्रिवेलिंग, प्रिवेलिंग एक वर्ड है, इसका राइमिंग वर्ड पोएम से जब देख तलाशते हैं तो सेलिंग एक वर्ड मिल जाता है, और अपना राइमिंग वर्ड मेलिंग लिख सकते हैं आप, या आपके दिमाग में और कुछ हो तो वो भी लिख सकते हैं। डिफीटेड एक वर्ड है, वर्ड उससे मिलता जुलता मीन्स राइमिंग वर्ड आपको रिट्रीटेड मिल जाएगा आपके पोएम में, और हमने एक वर्ड लिख दिया एडमिटेड लिख दिया राइमिंग वर्ड। उसके बाद हिल है, एक वर्ड आपका हिल है, उस पोएम में आपको एक इल भी मिल जाएगा राइमिंग वर्ड, और एक आप तो अपना वर्ड लिख दीजिए जैसे मैंने लिखा हिल। उसके बाद ग्रेजिंग है आपको वर्ड, ये भी आपकी पोएम का, ये सारा भी आपके पोएम से ही है। ग्रेजिंग है, ग्रेजिंग का एक राइमिंग वर्ड रेजिंग हमने आपके पोएम में देखा, और अपनी तरफ से एक वर्ड लिख दिया प्रेजिंग, तारीफ कर रहा है, ठीक है। इसके जगह पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं। उसके बाद यंगेस्ट है एक वर्ड, उसका राइमिंग वर्ड ओल्डेस्ट है, अपने तरफ से एक वर्ड राइमिंग वर्ड लिख दिया फास्टेस्ट। तो इस तरह से ये आपका B1 और B2 ये आपका कंप्लीट होता है आज की क्लास में। हम वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू।